हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन, सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन। अब आपके मेडिकल्स आ गए हैं। कलर ब्लाइंडनेस बहुत ही बड़ा पॉइंट है। कलर ब्लाइंडनेस जो है बहुत ही डाउट पैदा करने वाला पॉइंट है। काफ़ी कैंडिडेट्स जो है वो कि मुझे ये प्लेट में ये नज़र आ रहा है, मुझे पूरी प्लेट्स नज़र नहीं आ रही हैं, और मुझे तो सिर्फ 5-6 प्लेट ही नज़र आती हैं, मुझे जो लाइनिंग है वो नज़र नहीं आती हैं, या मैं कितनी प्लेट पढ़ देता हूँ तो मैं फिट हो जाऊँगा। देखिए, आप पूरी तरीके से कलर ब्लाइंड हैं तो आप एक भी प्लेट आप नहीं पढ़ पाते हैं। उसको बोलते हैं कलर परसेप्शन 5। और कलर परसेप्शन 4 क्या है, कलर परसेप्शन 3 क्या है, रेड ग्रीन कलर डेफिशिएंसी क्या है, आपको यदि प्रॉब्लम है तो जो एक्चुअल नंबर है वो आपको क्या नज़र आता है, वो सब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। अब देखिए, ये प्लेट नंबर 1 है, इशारिया प्लेट्स 38 प्लेट्स हैं, और यही यूनिवर्सल मेथड है ये सब टेस्ट करने का। ये पूरे विश्व में लगभग सभी फोर्सेस में यही अपनाया जाता है। इसके अलावा दूसरे टेस्ट भी हैं लेकिन वो इतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। अब सबसे पहला प्लेट नंबर 1 जो है, 12 आपको नज़र आ रहा है, सबको नज़र आएगा। जो कलर ब्लाइंड है उनको भी 12 ही नज़र आएगा, जो नॉर्मल विजन है जिनका कलर का उनको भी 12 ही नज़र यहाँ पर आएगा। लेकिन देखिए, प्लेट नंबर 2 यहाँ पर मुझे 8 नज़र आ रहा है, आपको भी यदि इसमें 8 नज़र आ रहा है तो ये बिल्कुल 8 ही है। लेकिन यदि आपको 8 नज़र नहीं आ रहा है और आपको सिर्फ 3 यहाँ पर नज़र आ रहा है तो यहाँ आपको प्रॉब्लम है। कौन सी प्लेट में क्या आपको नज़र आएगा वो भी आपको लास्ट में यहाँ बताएंगे। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए आप तुरंत बता देंगे कि ये 29 है, 29 आपको नज़र आ गया। और कितना समय मिलेगा तो वो भी आपको बता दूं कि 2 से 3 सेकंड का आपको समय मिलेगा। कितना डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस होगा 1 हैंड, यानी आप सामने हाथ को सीधा करते हैं वहाँ पर आपके बुक रखी हुई रहेगी, इतना ही आपको डिस्टेंस उसको मिलेगा। और 2 से 3 सेकंड में आपको उसको बताना है। आप नहीं बता पाते हैं तो प्लेट को पलट दिया जाएगा। कुछ हमारे साथी इसको याद करने की कोशिश करते हैं, ये गलती नहीं करना। मेडिकल ऑफिसर को ये डाउट हो जाता है कि आप याद कर गए हैं तो वो आपको स्क्रीन में भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा ये जो डिजिट हैं, इनके अलावा दूसरे डिजिट भी आपको दिखा सकते हैं वो स्क्रीन में। आपका वायर लाइन टेस्ट भी कर सकते हैं, वो उनके विवेक पे डिपेंड करता है, उनका पावर है वो। 29 यहाँ पे नज़र आ गया। चलिए, इसमें बता दीजिए आपको क्या नज़र आ रहा है। कलर ब्लाइंडनेस का ऑनलाइन टेस्ट, आपके पूरे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, यदि आपको 2 से 3 सेकंड में 5 नज़र आ गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप यदि 2 बता रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम है। इसमें यदि आपको 5 नज़र आ रहा है तो प्रॉब्लम है, इसमें 3 नज़र आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल 3 ही है, आपका नॉर्मल विजन है। चलिए, 2 सेकंड का समय दिया आपको, ये बता दीजिए, ये जिन लोगों ने 15 बताया है उनका बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिन्होंने 17 बताया है उनका गड़बड़ है। यहाँ पे जिनको 71 नजर आ रहा है उनको प्रॉब्लम है, ये 74 है एक्चुअली। इसमें जो रेड कलर में जिनको प्रॉब्लम होगा उनको इसमें कुछ भी नजर नहीं आएगा। जिनको 6 नजर आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है, 6 बिल्कुल सही है। इसमें यदि 45 आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है आप। लेकिन इसमें जो जिनको प्रॉब्लम होगी उसमें इनको ब्लैंक नज़र आएगा, कुछ नहीं नज़र आएगा यहाँ पर, जबकि इसमें 5 है, जिनको 5 नज़र आ रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल विजन है उनका। यहाँ पे जिनको 7 नज़र आ रहा है उनका बिल्कुल नॉर्मल विजन है। यहाँ पर जिनको 16 आ रहा है, 16 वो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें जिनको 73 जो पढ़ पा रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब ये देखिए, ये ब्लैंक प्लेट है, ये इसमें बिल्कुल खाली है। ये ऐसा प्लेट आपके सामने आता है, वहाँ पर आपको संकोच नहीं करना है, झिझकना नहीं है, आपको बिल्कुल 2 सेकंड में या 1 सेकंड में ही आपको बता देना है ये तो बिल्कुल खाली प्लेट है, इसमें कुछ नहीं है। ये भी खाली प्लेट है, ये 26। अब देखिए, 26 में क्या है कि जिनको प्रॉब्लम होता है उनको या तो ये 6 ज़्यादा अच्छा नज़र आता है या ये 2 नज़र आता है अच्छा, उनको दोनों एक साथ नजर नहीं आते हैं। 42 में भी यही है, जिनको प्रॉब्लम है उनके साथ में क्या होगा कि उनको ये 4 या तो अच्छे से नजर आएगा या 2 अच्छे से नजर आएगा। ये लाइनिंग वाला देखिए प्लेट जो है, इसमें जिनको प्रॉब्लम है उनको क्या, या तो ऊपर वाला लाइनिंग उनको अच्छे से नजर आता है या उनको नीचे वाला लाइन अच्छे से नजर आता है, दोनों लाइन एक साथ नहीं पकड़ पाते हैं।
ये फिर ब्लैंक प्लेट आ गया है, बिल्कुल ओरिजिनल बुक है ये। जो आप लोग देखिए कुछ कुछ जो ऑनलाइन नेटवर्किंग साइट्स है उस पर आप ऑनलाइन वो बुक मंगवा रहे हैं वो ओरिजिनल नहीं है, आपको बता देता हूँ। वो जो आप बुक लेकर आ रहे हैं वो ओरिजिनल नहीं है उसमें, और ये ओरिजिनल बुक के जो प्लेट्स हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें आपको क्या लाइनिंग नज़र आ रही है, जो बिल्कुल नॉर्मल है वो किस तरीके से चलेंगे वो भी बता देता हूँ। वो देखिए यहाँ से इस तरीके से चलेंगे, और जिनको प्रॉब्लम होता है वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट यहाँ से क्या होता है, यहाँ से डायरेक्ट इस पे चले जाते हैं। क्योंकि ये रेड ग्रीन देखिए यहाँ पे ये ग्रीन से स्टार्ट हुआ, रेड में वो पहचान करने में प्रॉब्लम हो जाती है और यहाँ से डायरेक्ट ग्रीन पे चढ़ जाते हैं। तो ब्रेन मोबिंग टेक्निक भी यही है, आपको यही चीज़ सिखाने की कोशिश वहाँ की जाती है कि आपको डॉट टू डॉट कैसे आपको चलना है, उसी को ब्रेन मोबिंग का नाम दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको कौन सा नारंगी आपको नज़र आ रहा है, ऑरेंज कलर आपको नज़र आ रहा है तो आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अब यदि प्रॉब्लम होगी तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप चलेंगे बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ से आप ये धोखा खा जाएंगे और यहाँ फिर धोखा खा जाएंगे, यहीं घूम जाएगा और इतना होते ही आपको कलर ब्लाइंडनेस का पॉइंट आपका तय है। अब तक क्या होता था कि आपको यदि कलर ब्लाइंडनेस का पॉइंट मिल भी गया तो नॉर्मल विजन है आपका, थोड़ा सा आपको घबराहट हो गई, आप झिझक गए वहाँ पे, दो सेकंड में आप नहीं बता पाए, आपको पॉइंट मिल गया या जो लाइनिंग वाले जो प्लेट्स हैं उसमें जो ब्लैंक प्लेट है उसमें आपने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, तो वहाँ आपके पास में एक ऑप्शन रहता था कि आप सिविल डॉक्टर से फिटनेस लेकर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते थे इसका और आप फिट हो जाते थे। लेकिन अब प्रैक्टिस का और सिविल डॉक्टर से फिटनेस का मौका आपको नहीं मिलेगा। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की ये पहली भर्ती है जिसमें नई मेडिकल गाइडलाइन, जिसमें रिव्यू मेडिकल में जो समय दिया जाता था आपको वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, वो क्लोज हटा दिया गया है। अब आपका रिव्यू मेडिकल भी डिटेल मेडिकल के कंटिन्यूएशन में ही होगा, आपको लिखित में कंसेंट देना होगा आपको, उसके बाद आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद यदि आप अनफिट हो जाते हैं तो जस्ट उसके बाद ही 24 आवर्स में आपका री मेडिकल हो जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आप चलेंगे, ये बिल्कुल देखिए रास्ते पे इस तरीके से आपको जाना है और ये आपको यूं घूम के ये क्लियर हो गया। ये सबको नज़र आता है, ये लास्ट वाला प्लेट है, ये प्लेट नंबर 38 है, इसमें ये सभी को नज़र आएगा जो बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं, जिसको CP4 बोलते हैं, कलर परसेप्शन 5 बोलते हैं, उनको सिर्फ ये दो ही प्लेट नज़र आती हैं, फर्स्ट और लास्ट, बीच में उनको कुछ भी नज़र नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पर आ गया, इसको और ज़्यादा इसको डिस्क्राइब किया गया है कि प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 1 में 12, एवरीवन शुड सी नंबर 12, सबको 12 ही नज़र आएगा। प्लेट 2 में 8 है, नॉर्मल व्यू है, उनको तो 8 नज़र आएगा, लेकिन रेड ग्रीन डेफिशिएंसी वालों को इसमें 3 नज़र आएगा। प्लेट नंबर 3 नॉर्मल व्यू आपका 6 है, रेड ग्रीन डेफिशिएंसी को इसमें 5 नज़र आएगा। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि मेरा विजन कैसा है, नॉर्मल है या, क्योंकि आप सिविल डॉक्टर के पास भी जाते हैं वो भी आपको 4 से 5 प्लेट आपको पढ़वाते हैं, 2 आपको लाइनिंग वाला पढ़वाते हैं और उसमें आपको बता देते हैं कि आप नॉर्मल है या आपको प्रॉब्लम है। कुछ हमारे साथी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी चेकअप करवाए हैं और वहाँ पर वो कलर ब्लाइंडनेस उनका डिटेक्ट हो गया है, तो अब क्या होगा, अब तो देखिए मुश्किल होगा, या जो होगा वो आईटीबीपी के ऑफिसर पर डिपेंड करेगा वो क्या निर्णय करते हैं। 29 प्लेट नंबर 4 नॉर्मल व्यू 29 है, लेकिन रेड कलर, रेड ग्रीन डेफिशिएंसी को इसमें 70 नजर आएगा, 70 कैसे नजर आएगा इस तरीके से। प्लेट नंबर 5 नॉर्मल व्यू 57 है और रेड ग्रीन डेफिशिएंसी को इसमें 35 नजर आएगा। जो नॉर्मल होता है उसको तो बिल्कुल एक सेकंड क्या आधा आधा सेकंड के 10वें हिस्से में पता चल जाएगा ये क्या है, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है वो काफ़ी देर तक सोच विचार करेंगे, झिझक जाते हैं वहाँ पे। प्लेट नंबर 6 में नॉर्मल व्यू को 5 नज़र आएगा और रेड ग्रीन डेफिशिएंसी को 2 नज़र आएगा। प्लेट नंबर 7 में देखिए 3 नॉर्मल व्यू को 3 और रेड ग्रीन डेफिशिएंसी को 5 नज़र आएगा। प्लेट नंबर 8 नॉर्मल व्यू 15 है और रेड ग्रीन डेफिशिएंसी यदि आपको 17 नज़र आता है तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका रेड ग्रीन डेफिशिएंसी है। अब बाकी प्लेट्स आप किस तरीके से पढ़ते हैं उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन आपका यहाँ पर जिसको कहते हैं कि अनफिट होने का चांस हो जाता है। 74 प्लेट नंबर 9 नॉर्मल व्यू 74, लेकिन जो हमारे रेड ग्रीन डेफिशिएंसी के जो साथी हैं उनको 21 आएगा।
नंबर 10 जो नॉर्मल है उसको दो नजर आएगा, और जो रेड ग्रीन डेफिशिएंसी है उनको इसमें कुछ भी नजर नहीं आएगा। प्लेट नंबर 11 में 6 नजर आएगा नॉर्मल को, और रेड ग्रीन को जो नारंगी रंग है उसमें कुछ नजर नहीं आता है, रेड ग्रीन डेफिशिएंसी। 12 में भी यही होगा, 97 है, और 13 में भी यही होगा। प्लेट नंबर 14, 15, 16, 17 में भी जो बिल्कुल 73, 16, 5 और 7 नॉर्मल व्यू है, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है उनको यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आता है, और ये प्लेट आपके सामने पहली बार आ गई, आप बिल्कुल वहाँ पर उसको कहते हैं ना कि कंफ्यूज हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। पहले से ही मन में एक डर बैठा हुआ है कि मैं कलर ब्लाइंडनेस हूँ, मेरा क्या होगा, और वहाँ आप अच्छे से बता नहीं पाते हैं और आपको पॉइंट बन जाता है। और अब ये पहला ही हमारा देखिए ऐसा ऐसा मौका है कि जब आपको 24 आवर्स में ही आपका रीमेडिकल दोबारा से हो जाएगा। 73, 73 में भी हो गया। अब इसमें देखिए जो ब्लैंक प्लेट वाला जो है प्लेट नंबर 18, उसमें नॉर्मल व्यू बोलेगा कि इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन रेड ग्रीन डेफिशिएंसी जिसका है वो 5 इसमें बता देगा, और रेड ग्रीन डेफिशिएंसी इसमें 2 बता देगा। 19, 20 ये पूरा 38 प्लेट जो है वो पूरा इसमें डिस्क्राइब किया गया। अब देखिए प्लेट नंबर 22 नॉर्मल व्यूज में 26 पड़ेगा, लेकिन अब जिनको प्रॉब्लम है उनको या तो इसमें सिर्फ ये 6 नजर आता है या ये 2 नजर आता है, दोनों एक साथ नजर नहीं आएंगे, ऐसा आगे भी पूरा बताया गया है। ये पीडीएफ दोस्तों यदि आपको चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है इस पर एक मैसेज आप कीजिए कि इशारिया पीडीएफ लिख कर आप एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, ये आपको बिल्कुल मिल जाएगा। इससे आप तैयारी कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि यदि आप देखिए कलर आपको प्रॉब्लम बता दिया है, सिविल डॉक्टर से आपने चेक करवाया, तो भी हिम्मत नहीं हारना है, ये प्लेट्स जो हैं इनको आप तैयारी कीजिए। हो सकता है कि आपके सामने वही प्लेट आए और आप उसको अच्छे से पढ़ दें, आप फिट हो जाएँ। SSC GD में हमने बहुत से कैंडिडेट्स को ऐसा देखा है कि जो सिविल डॉक्टर उनको बता दिया था कि आप फिट नहीं हो सकते, लेकिन वो फिट हो गए, लेकिन वो बात अलग है कि वो ट्रेनिंग सेंटर में जाके फिर वो धोखा खा गए। लेकिन इसकी आप तैयारी कर सकते हैं, ये जो इतना कोई मुश्किल नहीं है काम कि जब आप मैथ रीजनिंग GK हिंदी ये सब आप पढ़ सकते हैं तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, इसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। ब्रेन मॉपिंग वही चीज़ है कि इसको कैसे तैयार करना है। तो दोस्तों टेंशन नहीं करना है, क्योंकि ये कलर ब्लाइंडनेस में हो सकता है आप फिट हो जाए, लेकिन इस टेंशन की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए और आपको उधर पॉइंट मिल जाए। तो अब रुकना नहीं, थमना नहीं है, ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय।